हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल टेक अप में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी हार्ड डिस्क को एक्सटर्नली लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप में नॉर्मली सभी कनेक्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही केबल का यूज़ करना पड़ेगा, केबल प्लस अडाप्टर का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप उसको एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। साथ में ही आपको ये भी बताएंगे कि ज़्यादा कुछ इसमें करने का इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अडाप्टर को लगाना है सिंपली, और कनेक्टर को लगाना है, साथ में ही कनेक्टर केबल जो है वो यूएसबी पोर्ट में लग जाती है सिंपली, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए अभी हम इसको ओपन करते हैं और उसको भी ओपन करते हैं और किस तरीके से कनेक्ट होता है इसका आपको दिखाएंगे। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी केबल हमें मिल चुकी है, तो इस तरीके से साटा डाटा यहाँ पर रहता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दो यूएसबी मिल जाती हैं, तो ये आप दोनों ही लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, आपका इशू है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आप अडाप्टर को भी खोल लेते हैं, उसके बाद में आपको कनेक्ट करके भी दिखाएंगे किस तरीके से कनेक्ट होगा ये। तो ये हमें देख सकते हैं एसी टू डीसी अडाप्टर मिल जाता है सिंपली, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये नेहा कंपनी करके कुछ है उसका मिल जाता है, बट ठीक है सिंपली। ये बॉक्स भी आप देख सकते हैं, इसको भी साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हार्ड डिस्क है और हम इसको पहले कनेक्ट करके दिखा देते हैं आपको और फिर उसके बाद लैपटॉप से भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली ये दोनों ही पोर्ट इसमें लग जाएंगे, साटा डाटा ये हमने लगा दिया, देख सकते हैं यहाँ पर ये लग चुका है। अब आपको यहाँ पर ये जो पिन देख रहे हैं आप, इसको आपको पावर स्विच में लगाना है पोर्ट के अंदर, और लगाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप ये हमारी पिन लग जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पिन लग गई, और इसमें एक छोटी सी ब्लू कलर की लाइट भी जलती है जब आप लगा देंगे, तो वो भी हम आपको आगे दिखा देंगे। और सिंपली इसमें भी एक रेड कलर की लाइट जलती है, और जैसे ही आप इसको बोर्ड में लगाते हैं, स्विच बोर्ड में, और सिंपली इसको आप अपने कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं और आपकी हार्ड डिस्क जो है वो वर्क करने लगेगी। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नली अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर हम लैपटॉप के पास आ चुके हैं और साथ में ही मेरे पास ये इसका अडाप्टर है, तो पहले मैं इसको पावर दे देता हूँ, और जैसे ही आप पावर देंगे यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जल जाएगी। चलिए ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में हम इसके कनेक्टर को लगा देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, हमने सिंपली इसको लगा दिया है और इसमें अब लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमारी पावर पिन लगेगी और उसको अभी हम लगा देते हैं जो कि हमारे अडाप्टर में से निकल रखी होगी। तो आपको सिंपली ब्लैक साइड वाले को लगाना है इसमें, इसमें जैसे ही आप लगाते हैं और लगाने के बाद में आपको ये जो यूएसबी मिल रही है इसको आपको अपने लैपटॉप में लगा देनी है। पहले मैं आपको कंप्यूटर ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हमारा माई कंप्यूटर सिंपली ओपन है और अभी हम इसके कनेक्टर को लगा देते हैं साइड में, और ये हमने लगा दिए और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा न्यू वॉल्यूम दिखा रखा है, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क जो है वो सिंपली आ चुकी है। इस तरीके से आप हार्ड डिस्क को सिंपली लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।